चार धाम व 12 ज्योतिर्लिंगाच्या तीर्थक्षेत्र ठिकाणी सायकलवरून वा यात्रा करणारा एक युवक आज पंचम ज्योतिर्लिंग स्थान असलेल्या परळी वैजनाथ येथे दाखल झाला. अयोध्येतील दिनकरदास नावाच्या या युवकाने यात्रा सुरू केली असून सायकलवरून तो भारत भ्रमण करत आहे. चार धाम व 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा तो सायकलवरच करणार आहे. या यात्रेदरम्यान नशामुक्ती आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश याबाबत जनजागृती आपण करत असल्याचे त्याने आमच्याशी बोलताना सांगितले. प्रभू वैद्यनाथाचं मनोभावे दर्शन घेऊन त्याने आज 8वे ज्योतिर्लिंग दर्शन पूर्ण केले. यावेळी परळीतील वेदांत सारडा, श्री स्वामी महादेव गित्ते आदी युवकांनी वैद्यनाथ मंदिर येथे त्याचा सत्कार केला. दिनकरदास याच्याबरोबर या ठिकाणी आसामचा एक युवकही सायकलवरून या यात्रेत सहभागी झाला आहे. ही सायकल स्वारीची यात्रा आपल्याला समाधान देते अशी भावना या युवकाने यावेळी बोलताना व्यक्त केली आहे. जय श्री राम. मेरा नाम दिनकर दास है और हम अयोध्या से निकले हुए हैं भारत भ्रमण के लिए, जिसमें से प्रमुख चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अन्य सभी धार्मिक तीर्थों में जाकर दर्शन करना और नशा मुक्ति और पर्यावरण के लिए लोगों को सुझाव देना. 12 जनवरी 2023 को हम अयोध्या से निकले हुए हैं और एक दिन में लगभग 70 से 100 के बीच में साइकिल चलाते हैं. और अभी हम अकेले निकले हुए हैं और एक भाई अभी रास्ते में और मिले हुए हैं असम के, तो रास्ते में मिल गए हैं. और हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रकार के विद्यालयों में जाकर नशा मुक्ति और पर्यावरण के लिए सभी को जागृत करना और सनातन धर्म से जुड़े रहें अपने सनातन धर्म, क्योंकि भारतीय संस्कृति के खंभे हैं जो चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सभी का जनजागरण करने का प्रयास कर रहे हैं. 12 ज्योतिर्लिंग में से अभी हमारा ये 8वां ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से उज्जैन ओंकार महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वरनाथ और त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा कंप्लीट हो गया और अभी परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचे हैं. इसके पश्चात दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाले हैं.